डियर स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन दिस चैप्टर वी हैव टू रीड अबाउट 3 टॉपिक्स मेनली। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट वी नो व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस इज द सेट ऑफ नंबर अरेंज इन सम डिफिनिट ऑर्डर एंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सम रूल्स इज कॉल्ड sequence. As we know in previous classes, we know the pattern, just like 2, 4, 6. What is the next is 8. Same is sequence. What is progression? Progression is the sequence that follow a certain pattern, even pattern, odd pattern, multiplication pattern, division pattern, like this. So we sequence and progression, these are mix up and made arithmetic progression. When we are talking about arithmetic progression, what? Arithmetic progression is the sequence which have a common difference to each and every element preceding or next element. If common difference is same, then the pattern said to be arithmetic progression. If pattern is not same, द पैटर्न इज नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, ये 3 टॉपिक के बारे में बताया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये भी एक सीक्वेंस ही होता है, लेकिन इस सीक्वेंस की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस सेकेंड और थर्ड का होगा, वही डिफरेंस थर्ड और फोर्थ टर्म का होगा, वही डिफरेंस फोर्थ और फिफ्थ टर्म का होगा। अगर ये सेम टर्म को फॉलो करता है तो ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, अदरवाइज उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिंदी की बात करें तो समांतर होता है, समांतर सीरीज। आगे बढ़ते हैं, अब इसके एन टर्म की बात आएगी। सर, हम इसका एन टर्म कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, एन टर्म को हम टी एन भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं। एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए आपका फर्स्ट टर्म होगा, एन नंबर ऑफ टर्म होगा, और डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। जब भी कॉमन डिफरेंस की बात की जाएगी तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और वही बताएगा क्या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। क्लियर है? तो चाहे आप टी एन लिखो चाहे ए एन लिखो, दोनों सेम है। टी एन इक्वल ए एन इक्वल एल, एल मतलब लास्ट टर्म होता है, जो लास्ट में आता है उसको भी एन टर्म बोल सकते हैं या लास्ट टर्म बोल सकते हैं। देखिए अभी बच्चों, हमने यहाँ लिखा है आखिर में ए क्या है, ए को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म है, एल क्या है लास्ट टर्म है, और डी क्या है, डी को हमने ऑलरेडी बताया कॉमन डिफरेंस है। और डी की वैल्यू कैसे मिलती है? तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो डी की वैल्यू मिलती है। अगर किसी गिवन पैटर्न में डी की वैल्यू डिफरेंट है तो वो पैटर्न कभी एपी नहीं हो सकता। क्वेश्चन में आएगा कि सर सीरीज गिवन है, हमें बताइए कि एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए हमें सबके बीच का डी वन डी टू डी थ्री जितना टर्म होगा निकालेंगे। अगर सब सेम है तब तो एपी होगा, और सेम नहीं तो उसको एपी नहीं कह सकते। ये तो रहा सीएन टर्म की बात। अब सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? तो बच्चों, अगर हम सम की बात करेंगे तो ये एस सी एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, एन बाई टू, टू ए प्लस सी एन माइनस वन इन टू डी, ये सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है। एक फार्मूला ये भी होता है n बाई टू ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म हमने बताया, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म। अब सपोज एस एन की मैंने, तो क्या करोगे आप, एस एन ए एन निकालना है। ए एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, मतलब एस एन वाली वैल्यू में एन के प्लेस पे क्या रख दोगे, एन माइनस वन, और दोनों को माइनस करोगे तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी। अब डी भी इसी तरह निकाल सकते हो, डी इक्वल क्या होता है ए एन माइनस ए।